नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर सिंह कुमार सिंह। क्या होती है आईपीसी? बहुत सारे नागरिक का क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी गोइंग टू टेक यूजर क्वेश्चन। क्वेश्चन को लेने से पहले, जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सेम प्रॉब्लम से अगर कोई परेशान है तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए और हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। अगर आपके पास कोई क्रॉस क्वेश्चन है किसी अदर वीडियो से तो प्लीज़ वो भी आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे यूट्यूब पर पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं या फिर हमारे ब्लॉग पे पूछ सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को और बेल आइकन दबा दिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आए तो आप तक पहुँच जाए। चलते हैं सर के पास, रिशेश कुमार सिंह जी और मैं सिद्धार्थ सिंह। सर ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिमरॉन जी ने पूछा है। इन्होंने पूछा है 41A में आईओ के पास न जाके क्या ये कोर्ट से बेल ले सकते हैं? देखिए 41 कोई अपराध नहीं है कि जो इससे इनको डरने की ज़रूरत है। 41A में कोई जमानत लेने की ज़रूरत नहीं होती है जी। अगर इनको डर लगता है पुलिस के पास जाने से तो ये अपने साथ वकील ले जा सकते हैं, एडवोकेट अपना कर सकते हैं जी, है नहीं? और उस समय पुलिस सिर्फ नोटिस देती बयान देने के लिए, उसमें ऐसा नहीं है कि वो तुरंत आपको गिरफ्तार कर लेगी, है ना जी। और इसलिए ना उसके लिए 41 कोई अपराध नहीं है, कोई धारा नहीं है कि जिसमें सजा होती हो। पुलिस सिर्फ नोटिस देती है और उसमें इनको जाके पुलिस का सहयोग करना चाहिए जी, है ना। उसमें कोई बेल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना जी। और उसमें फिर इनको उसके लिए पुलिस एफआईआर के बाद तफ्तीश करती, हो सकता है ये बयान दे दें, फाइनल लग जाए, केस ही खत्म हो जाए, केस ही खत्म हो जाए, हाँ मतलब छोटा मोटा। तो इनको जाके कोर्ट पे, कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं उस स्टेज पे। 41 में सिर्फ पुलिस बयान लेती है और उसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, है ना। अगर आपको डर लगता है तो आप एडवोकेट का सहारा ले लीजिए, चले जाइए, वकील के माध्यम से जा सकते हैं आप जी, ठीक है सर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये हरकेश कुमार का क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने पूछा है एलएलबी करने पे कितनी इनकम होती है? एलएलबी करने पे कोई इनकम नहीं होती है जी, है ना। जब आप योग्यता हासिल कर लेंगे तो आपको अपने अनुसार पैसा मिलेगा, कुछ हिसाब नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे वकालत पेशे, कहाँ आप वकील बनना चाहते हैं, वकालत अपने में वही सबसे बड़ा धन है। जब आप उस योग्य हो जाएंगे ना तो आप जितना चाहेंगे उतना मिलेगा। पहले आप अपने अंदर योग्यता क्षमता कर लीजिए। आप वकील क्या, आप ढंग से साइकिल बनाना सीख लीजिए तो आप जितना चाहेंगे उतना कमा लेंगे जी। आप जो भी करो ढंग से करो जी, उसमें कमांड, हाँ वकील बनो तो ढंग से वकील बनो कि आपको हर चीज़ पर कमांड होना चाहिए, सब्जेक्ट पर। जब आपको हर जो चीज़ आ जाएगी फिर आपको किसी से, तब आप सौदेबाजी तभी कर सकते हो। अपना रेम्यूनरेशन, अपना दाना पारिश्रमिक आप तभी मांगने के हकदार होते हो, है ना। जब आपको आता नहीं है तब समस्या है जी। आधा जानो आधा ना जानो तो फिर आप क्या करोगे, जहाँ जाओगे वहीं फेलियर हो जाओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप, अगर आप एलएलबी कर लिए हो तो ढंग से मेहनत करके उन किताबों को जो आपको पढ़ाई गई है उसको घर पे बैठ के पढ़ो जी। तो आप वकील क्या, जज हो जाओगे, आप दुनिया के सबसे बड़े, सबसे होनहार आदमी हो जाओगे जी, ठीक है जी। और सिर्फ ये पूछना मूर्खता वाली बात है कि एलएलबी करेंगे कितना पैसा कमाएंगे, ये तो कोई बात नहीं। आपको कुछ नहीं आता तो आप घास भी नहीं छील पाओगे ढंग से जी। एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं सर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। योगेंद्र सर का क्वेश्चन है। इन्होंने मतलब नाम क्या के सर लगा रखा है। सर जी मेरी वाइफ, इनके यहाँ कोई घटना हुई थी सर 18 महीने पहले, जिसका परिवार में इनकी वाइफ ने डिवोर्स में उसकी घटना के बारे में जिक्र किया है। तो ये जानना चाह रहे हैं 1973 की धारा में ये 468 लागू होती है क्या? देखिए 468 फॉल्स पेपर बनाने का होता है जी। और ये जालसाजी है जी, है नहीं जी। अगर आपने कोई जालसाजी करी है जी, ठीक है, तभी आईपीसी की धारा आप पर लग सकती है जी। अब आपने जाल करके शादी कर लिया हो, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा दिखाया हो जी, ठीक है जी, तो आपको परेशानी हो सकती है। कंप्लेंट 18 महीने क्या, साल भर के बाद, 4 साल बाद हो सकता है जी, है ना। कंप्लेंट के लिए कोई समय नहीं है, टाइम नहीं है। जब मतलब अभियुक्त को पता, अभियुक्त कह रहे हैं, विक्टिम को पता चलेगा, विक्टिम को पता चलता है कि उसके साथ छल किया गया है, पेपर गलत बनाया गया है, हाँ। फोर्जरी की गई। 468 जो है गंभीर अपराध, इसमें 7 वर्ष की सजा है, नॉन बेलेबल केस है जी, ठीक है। तो ये इसकी समय 18 महीने बाद अगर उन्होंने किया है तो कर सकती हैं, है ना। अब ये नहीं क्लियर है आपने 468 क्या बताया, आईपीसी की धारा, सीआरपीसी, आप लोग क्वेश्चन जो पूछिए स्पष्ट पूछिए तो जवाब भी मेरा स्पष्ट हो। आईपीसी और सीआरपीसी में आपके मन की बात तो नहीं जान पाओगे कि आप क्या चाहते हो सर। कभी ऐसा होता है कि इनके पास अपनी एफआईआर की कॉपी है, उसमें हो सकता है आईपीसी या सीआरपीसी ना लिखा हो। नहीं नहीं मैक्सिमम में लिखा, समझ नहीं पाते लोग, लिख नहीं पाते और सब रहता ऐसा नहीं है। अब ये जो 468 बताते हैं उसके हिसाब से तो यही लगता है कि कोई फाल्स पेपर तैयार रहा होगा, उसके पत्नी के हाथ में लग गया होगा, उसने उसके आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करिए, है ना। वो कंप्लेंट केस इनके खिलाफ हो सकता है, इसमें इनको सावधान रहना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये तस्मीला रफीक हैं, इनका जो क्वेश्चन है, इन्होंने ये वेस्ट बंगाल की हैं। जी जी। इन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी, जिस ज़मीन को नेबर उस पर दीवार इन्होंने कर दी, तो उस दीवार को गिरा दिया गया है, लीवर ने गिरा दिया। पजेशन का विवाद होगा, 145 सीआरपीसी में कार्रवाई हुई थाने पर। हाँ जी, है ना। और ये कह रही है वो प्रॉपर्टी इन्होंने जिसकी थी, मतलब लैंडलॉर्ड से खरीदी है, लेकिन वो जो नेबर है वो कह रहा है कि ये जमीन मेरी है। देखिए 145 तो पुलिस फौरी तौर पर शांति भंग को रोकने के लिए कि अशांति न हो जाए जी, पजेशन के बारे में अटैचमेंट कर सकती है। 145 में जिसको ज़बरदस्ती बेकब्जा किया गया है उसको कब्जा दिला सकती है, और उसमें मजिस्ट्रेट ट्रायल होता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट 145 सीआरपीसी में, उन्हीं को दोहरा पावर होता है, तो इसको सुनवाई कर लेते हैं। 145 में ज़मीन का अटैचमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और जिसको 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर जिनको बेदखल किया गया हो, वही उसमें दोबारा पोजीशन पा सकते हैं। लेकिन उसमें हकीयत के लिए, टाइटल के लिए अलग से केस करना पड़ता है। अगर इस विवाद लंबा है, ठीक है, जैसे इनकी दीवार गिरा दी गई तो इन्होंने 145 की कार्रवाई हो गई, अटैचमेंट, इनका रिवाइवल हो सकता है, दीवार इनकी बन सकती है। लेकिन अगर और विवाद बढ़ता है तो इनको टाइटल सूट में जाना पड़ेगा, उसके लिए 145 से काम नहीं चलने वाला। अच्छा। ये फौरी तौर पर समस्या का हल के लिए ये पुलिस की कार्रवाई है। पुलिस जब लिख के मजिस्ट्रेट को दे देती है कि साहब फलां जमीन को लेकर विवाद है, फलां मकान को लेकर विवाद है, जिसमें गंभीर आशंका है शांति भंग की, मारपीट हो जाएगी, कोई जानी माली नुकसान हो सकता है, तो वो अटैचमेंट की कार्रवाई पुलिस करा देती है, है ना। उसको मजिस्ट्रेट जो है वो कर देते हैं जी। तो इसमें इनके केस में टाइटल में भी देखना चाहिए, इनको अपने पेपर देखना चाहिए जिससे इन्होंने बैनामा लिया है जी, है ना, और अपना टाइटल साबित करने के लिए तैयार रहना चाहिए जी। सर एक सेम क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ है, रवि के लिखा है इन्होंने। इनका क्वेश्चन है, इन्होंने कोई लैंड खरीदी थी 37 कैनाल में, तो उसमें 2/3 हिस्से हुए थे, जिसमें 5 हिस्सेदार हैं। तो इनका वो विवाद चल रहा है ज़मीन पे, और एफआईआर हो गई है 147 में। तो अब ये जानना चाह रहे हैं क्या इसका सलूशन क्या है। इसका सलूशन है बंटवारा मुकदमा जाके वहाँ दे दें सिविल कोर्ट पे, है ना? जो है सर इनका थोड़ा सा क्लियर नहीं है। हाँ, हमको लगता है प्लाट का झगड़ा होगा इनका जी। जब 4-5 लोगों ने उसमें शेयर कर रखा है तो सबके हिस्से में विवाद होगा, कोई ज़्यादा कब्जा किया होगा या किसी का प्लेस अलग हो गया होगा, तो उसके लिए सिविल कोर्ट पे केस डाल दें तो कमीशन हो जाता है, और वो जो हिस्सा हो जाएगा पहले प्रारंभिक डिग्री बन जाएगी, शेयर क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद वो कमीशन के माध्यम से उसको बता देंगे, बंटवा दिया जाएगा, तो बंटवारा भी हो जाता है। अगर रेवेन्यू का केस है तो रेवेन्यू कोर्ट करती है। अगर सिविल आबादी जैसे चीज़ें हैं जिसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है तो वो कमीशन के द्वारा सिविल कोर्ट में हो जाता है। ठीक, ठीक है सर, थैंक फॉर योर टाइम। तो व्यूअर्स आपने देखा सर ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, हर क्वेश्चन के आंसर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, और अगर किसी अदर वीडियो से कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आप यहाँ यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, फेसबुक या फिर हमारे ब्लॉग पे भी पूछ सकते हैं। कोशिश करिए अपने जो भी आप क्वेश्चन पूछें वो थोड़ा सा उसमें सेक्शंस जो आप लिखें वो बता दें वो सीआरपीसी है या आईपीसी है, ताकि सर को एक्सप्लेन करने में आसानी हो। एक्चुअली में सर केस स्टडी तो कर नहीं पाते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आपका होता है, उसमें अगर आप डिटेल नहीं डालेंगे तो सर बता नहीं पाएंगे एग्जैक्टली कि क्या करना चाहिए। सर एक अंदाजे से बताते हैं सारे आंसर्स। और आप जो अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं इस वीडियो के रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आंसर दे देते हैं पर आप तक पहुँचता नहीं है, क्योंकि हम कमेंट में ये बता नहीं पाते हैं कि आपका ये वीडियो में हमने आंसर दे दिया है। तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लिया करिए क्वेश्चन की डिटेल से कि आपका वीडियो का मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर आया है कि नहीं। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो बेल आइकन दबा दिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आए तो आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रांग करिए। जिस तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट की सफाई से, अगर आप अपने सोसाइटी में सफाई रख सकते हैं तो सफाई रखिए, ताकि मतलब कहने का मतलब है कि अपनी जो कंट्री है उसको और ज़्यादा मेच्योर करिए, और ज़्यादा अच्छी करिए, और ज़्यादा ब्यूटीफुल करिए, पॉल्यूशन ना करके। मैंने देखा है कि लोग जगह जगह पे कूड़े जला देते हैं, ये मत करिए, कूड़ा मत जलाइए, उसको किसी तरीके से एक जगह पर इकट्ठा कर दीजिए, या फिर कहीं नगर निगम के थ्रू या किसी के भी थ्रू आप उस कूड़े को हटवाइए, ना कि उसमें जला दीजिए, जिससे पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है, अगल बगल के लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करिए। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।